नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा, पीड़िता को मिलेगा 3 लाख मुआवजा। पुआल के नीचे रखा बम हुआ ब्लास्ट, 3 गंभीर रूप से घायल, मायगंज अस्पताल में भर्ती। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ 3 कुख्यात को मौके से दबोचा। और भागलपुर से जल्द उड़ेगा हवाई जहाज, दिल्ली की टीम ने रनवे का किया मुआयना। अब खबरें विस्तार से। नाथनगर प्रखंड में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास तथा 10,000 का आर्थिक दंड लगाया है। दंड नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया, 2 वर्ष पूर्व पीड़िता के परिवार ने दिलीप कुमार मंडल के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था। 7 लोगों की गवाही के बाद मामले की सुनवाई हुई और आरोप तय किया गया। इसके साथ ही सरकार की ओर से पीड़िता को 3 लाख रुपया दिया जाएगा। नाथनगर थाना अंतर्गत मामला हुआ था, जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी 2019 में। एक बच्ची जो बिहार से कुछ भुट्टा वगैरह ये सब लेकर आ रही थी, इस अभियुक्त ने उसे जबरदस्ती खींचकर बिहार में ले गया और अपहरण कर रात भर रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसे 22/3/21 को दोषी पाया गया था भादवी 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 में। आज उसे 20 साल की कठोर कारावास दी गई है। जगदीशपुर प्रखंड के बलुआबाड़ी गांव में खेलने के दौरान बम पर पाव पड़ने से 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बम मोहम्मद शकील के घर के पीछे एक अर्धनिर्मित घर में रखे हुए पुआल के नीचे छुपा कर रखा गया था। बम फटने से मोहम्मद शकील की 8 वर्षीय पुत्री नवीला, 3 वर्षीय पुत्री मारिया एवं 5 वर्षीय जोया घायल हो गई। बम विस्फोट की आवाज सुनने पर घरवाले मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को घायल देखा तो इसकी सूचना जगदीशपुर पुलिस को दी। सूचना मिलने पर जगदीशपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घायल बच्चियों को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम किसने और किस मकसद से रखा था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हम यहाँ जैसे ये कमर भर मेरा दीवार है, माँ बच्ची वहाँ पे खेल रही थी, वहाँ पर से खेल रहे थे हम, बच्चे को एक घर जाए, बच्चा एक अंदर आई, यहाँ पर आई और तीनों उतर रही थी पिलर के पास से, कोने पे पिलर के पास पुआल था, पुआल के पास अंदर में बम था। हमको सर नहीं मालूम बम रखा है, क्या रखा है हमको नहीं मालूम। मेरा बच्चा उतर रहा था, आ रहा था घर को, इधर था वो इधर पे, तीन बस ठिकाना पे था हुआ। मेरा घर के पीछे में वहाँ पर बम रखता है, वहाँ बहुत सारे एक तो बम रखता है मेरे घर के पीछे में। बच्चा लोग वहाँ खेलने गया था, उसका अंदर में हो गया था, खींच होगा छिपा करके बच्चा लोग देखी में, वहीं पर से बच्चा लोग उड़ गया, 3-3 बच्चा था। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने नाथनगर दोगच्छी से एक अपाची मोटरसाइकिल, 2 देशी पिस्टल, 3 जिंदा गोली एवं 4 मैगजीन के साथ बरेपुरा के रहने वाले मोहम्मद रकीब, ततारपुर निवासी मोहम्मद अरशद और मौलाना चक के रहने वाले मोहम्मद सैफू को अपराध की योजना बनाते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को दबोचा गया। कल दिनांक 23 मार्च 2021 को वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर महोदय को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग नाथनगर क्षेत्र में इकट्ठा होकर के डकैती की योजना बना रहे हैं। इसी संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष नाथनगर, थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर एवं DIU प्रभारी को शामिल किया गया। उक्त टीम ने जब दोगच्छी में आम के बगीचे के पास छापामारी किया तो वहाँ पर इनको मोहम्मद रकीब, मोहम्मद अरशद उर्फ लिक्कू, जो कि ततारपुर का रहने वाला है,
एवं मोहम्मद सैफू जो मौलाना चक्का रहने वाला है एवं इनके अन्य साथी जो डकैती की योजना बना रहे थे रंगे हाथों पकड़ाए गए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भागलपुर से जल्द ही हवाई जहाज उड़ान भरेगा। इसकी संभावना तब बढ़ गई जब केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत दिल्ली से आई एक टीम ने रनवे का मुआयना किया। सर्वे की रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। ऐसा होने पर शहरवासियों को एक बड़ा कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट मिल जाएगा। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सर्वे है जो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट का है, वो उसी में जो उसका कुछ इक्विपमेंट है वो एयरक्राफ्ट में लगा हुआ रहता है और हम लोग उसे फ्लाई करते हैं। इक्विपमेंट वो सर का उसका डाटा कलेक्ट कर लेता है। आखिरकार 4 साल बाद वार्ड पार्षदों को शहर के विकास की चिंता सताने लगी है। पार्षदों की शिकायत है कि सामान्य बोर्ड की बैठक में उनकी बात सुनी नहीं जाती है, जिससे वार्ड में उन्हें नागरिकों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को संजय सिन्हा की अगुवाई में पार्षदों ने नगर निगम परिसर में धरना दिया और नारेबाजी की। वहीं वार्ड नंबर 23 के पार्षद संजय सिन्हा ने सिटी मैनेजर पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे वार्ड में केंद्रीय समिति शौचालय का जांच करने गया था, साफ सफाई से संबंधित। उसके साथ नगर निगम के सिटी मैनेजर साहब साथ में थे। मैंने सिटी मैनेजर साहब से कहा कि जब आप मेरे वार्ड में शौचालय की जाँच करने आए हैं केंद्रीय समिति के साथ, तो कम से कम आप इसकी सूचना हमको पहले दे देते। इन्होंने हमको सूचना नहीं दिया। शौचालय इतना गंदा था, जो शौचालय में घुसने लायक नहीं था, काफ़ी बदबूदार था, जिससे वार्ड की बदनामी हो रही थी। मैंने जब सिटी मैनेजर साहब पर दबाव दिया कि आप ऐसा काहे किए, तो सिटी मैनेजर साहब ने कहा कि मारना है मारिए, हमको मारिए। हमको लगा कि ये विचलित हो गया है। इसके विरोध में मैंने प्रभारी नगर आयुक्त को पत्र दिया हूँ और सिटी मैनेजर साहब को प्रभारी नगर आयुक्त से आग्रह किया हूँ कि या अपने भाषा पर कंट्रोल रहे। पिछले लगभग एक वर्षों से ऊपर का समय बीत जाने के बावजूद आज तक नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ कि 1 साल से ऊपर बीत गया और सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई है। जनता के समस्याओं से रोज रूबरू हो रहे हमारे सम्मानित पार्षदगण, लेकिन उनके समस्या के समाधान करने के लिए वो कहाँ जाएं? बोर्ड की बैठक एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, उसमें सारी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उसका अनुपालन होता है, तब जाकर जनता की समस्या का समाधान होता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नगर निगम के इतिहास का यह काला दिवस है कि 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं कराई जा पा रही है। खरमनचक स्थित माउंट जेवियर +2 स्कूल में बुधवार को 3रा फाउंडेशन डे मनाया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, डॉक्टर पंकज टंडन और PK झा ने किया। डिप्टी मेयर ने माउंट जेवियर स्कूल के 3 वर्ष पूरे होने पर स्कूल प्रबंधन को बधाई दी। मुख्य संरक्षक पंकज टंडन ने छात्र व शिक्षकों को बधाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। डायरेक्टर सुमित सलारपुरिया ने छात्रों के स्वर्णिम भविष्य की कामना की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर अतिथियों का मनोरंजन किया। मौके पर सुप्रिया वर्मा, अभिनव राजपूत, रिया हंसवानी समेत अन्य शिक्षक मौजूद थे। +2 स्कूल भागलपुर का 3रा स्थापना दिवस है, जिस अवसर पर कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए एक छोटा कार्यक्रम बच्चों के उत्साह के लिए रखा गया है, जो कि होली के पूर्व का भी एक कार्यक्रम है। यह होली का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बच्चों को एक उत्साह, एक पूजन का कार्यक्रम कर भगवान की आराधना के साथ इस कार्यक्रम को साथी के साथ हम लोग कर रहे हैं। अवसर मिला और जिस तरीके से यहाँ पर युवा साथियों का उत्साह और जिस तरीके से कॉमर्स के क्षेत्र कॉमर्स में बहुत दिनों से शिक्षक से पंकज टंडन सर जैसे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने का, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो बेशक
एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इस क्षेत्र में हम करेंगे। जगदीशपुर थाना अंतर्गत पुराने ब्लॉक परिसर में बुधवार को मद्य निषेध निरीक्षक चंदन कुमार की उपस्थिति में जब्त की गई 2200 लीटर शराब नष्ट की गई। शराब के ये खेप जगदीशपुर, हबीपुर, मुजाहिदपुर थाना तथा आरपीएफ के छापेमारी में बरामद की गई थी। मौके पर एसआई कृष्ण कुमार राय, शंभु प्रसाद सिंह, मुजाहिदपुर थाना के जयराम झा समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज करीब 2200 लीटर देसी विदेशी शराब का नष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें उत्पाद के 29 मामले, जगदीशपुर थाना के 2 मामले, हबीपुर थाना के 2 मामले, मुजाहिदपुर थाना का 1 मामला एवं रेल थाना के 7 मामलों का किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1750 से विदेशी शराब और 450 लीटर देसी मसालेदार शराब। प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने सुल्तानगंज थाना परिसर में व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य रूप से ओवरलोडिंग, सुरक्षा और ट्रैफिक की समस्या पर चर्चा की गई। डीएसपी डॉक्टर गौरव ने व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए मुख्य चौक पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात कही। सीसीटीवी कैमरे के लिए पुलिस के अलावा व्यापारी वर्ग भी इसमें आर्थिक सहयोग करेंगे। सारा पेन डाउन, नोट डाउन कर लिया है क्या क्या, कैसे कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाए। और बहुत सारा जो ऑटो स्टैंड है, बहुत सारे रिक्त स्थान है, सरकारी रिक्त स्थान है, जहाँ पे ऑटो स्टैंड वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है और ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था के लेके और उसके साथ ट्रैफिक के मद्देनज़र हम लोग ने आज इस मीटिंग में पहल किया है, एक सीसीटीवी कैमरा 1-2 दिन के अंदर, जिससे कि थाना ने भी उसमें चंदा दिया है, हम लोग की तरह दिया गया है, और सीसीटीवी कैमरा और सिविल सोसाइटी के जितने लोग हैं और व्यवसायी लोग हैं, सारे लोग इसको सामुदायिक पुलिसिंग, जो कम्युनिटी पुलिसिंग के श्रेणी में आता है, हम लोग खुद से ये इनिशिएटिव, जनता खुद से ये इनिशिएटिव ले रही है, हम लोग खुद से ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट होते ही विभिन्न दल के कार्यकर्ताओं की सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिलकपुर पुस्तकालय में बैठक कर पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तरी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष कुमार मंगलम ने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी का निर्देश दिया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, अरुण कुमार सिंह, विकास कुमार कर्ण, श्रवण कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज की बैठक सुल्तानगंज उत्तरी क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित बैठक थी। इसमें निर्णय लिया गया है कि हम अपना समर्थित प्रत्याशी को चुनाव क्षेत्र में उतारेंगे। उसके लिए हम सब लोग मेहनत करके और जिला में जिला परिषद की हम सरकार बनाएंगे, और इसके लिए सभी कार्यकर्ता आज से बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए और प्रत्याशी को विजय श्री दिलाने के लिए आज से ही बूथ की ओर हम सब लोग जाएंगे, ऐसा प्रारंभ कर दिया आज। विधानसभा का घेराव कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष अनामिका शर्मा के नेतृत्व में स्टेशन चौक पर सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और घटना की निंदा की। अनामिका शर्मा ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना अलोकतांत्रिक है। सरकार चुनाव में किए गए वादे से ध्यान भटकाने के लिए लाठी चार्ज करवा रही है। लेकिन कल जिस तरह राजद के द्वारा विधानसभा घेराव के दौरान जिस तरह पुलिसिया प्रशासन का दुरुपयोग सुशासन बाबू के द्वारा किया गया, वह निश्चय ही भारत की सभ्यता संस्कृति को कलंकित करती है। जिस तरह से महिलाओं पर रोड़े बरसाए गए, कार्यकर्ताओं को मारा गया, डंडे बरसाए गए, यह कैसा लोकतंत्र है। भागलपुर जिला विधिक संघ के पूर्व अध्यक्ष अभयकांत झा ने स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर नई तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष मनोज सहाय को अपना पदभार सौंपा। पदभार लेने के बाद मनोज सहाय ने कहा, मैं अधिवक्ताओं के हित और अधिकार के लिए प्रयास करता रहूंगा। न्यायालय परिसर में शौचालय और जल संकट की समस्या जल्द ही दूर होगी। मौके पर जिला विधिक संघ के महासचिव अंजनी दुबे, कोषाध्यक्ष प्रमोद यादव,
सदस्य मनोज सिंह, जितेंद्र कुमार, कुमार रूपेश समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप तदर्थ समिति का गठन किया गया है। तदर्थ समिति के सभी सदस्यों के साथ आज की बैठक संपन्न हो रही है। आज की बैठक में ये निर्णय लिया जाना है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा पारित प्रस्ताव का किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्यों कि महासचिव महोदय का जो रवैया है वो इन लोगों को सहयोग करने का रवैया नहीं है। इस परिस्थिति में तदर्थ समिति के ऊपर बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो निर्णय है वो मानने की बाध्यता है, इसके अनुरूप उनको काम करना ही पड़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।